हेलो नमस्ते गाइस, कल है UFC 275 तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे UFC 275 प्रेडिक्शंस की। तो फर्स्ट फाइट जिसकी बात होगी वो है द रीमैच बिटवीन जोंग वेली वर्सेस योआना जेजे। ये रीमैच 3 राउंड फाइट होगी फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट, मतलब जो ये फाइट जीतेगा उसको गारंटीड टाइटल शॉट मिलेगा नेक्स्ट। योआना और वेली की फर्स्ट फाइट, भाई जिसने नहीं देखी प्लीज गो एंड वॉच इट, आई हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि ये UFC की बेस्ट फीमेल फाइट है। जोंग वेली की लास्ट फाइट थी रीमैच अगेंस्ट रोज नामायूनेस जो हुई थी नवंबर 2021 को, which she lost. Whereas योआना जेजेक ने last fight की थी on March 2020 जो वेली के ही against थी and she lost. तो अभी जो दोनों fighters के बीच fight होने जा रही है, इसका main point हो सकता है activity of both fighters. तो जोंग वेली दो fights per year करती है, मतलब she is active. Whereas योआना जेजेक ने last fight की थी on March 2020. उसके बाद से she never fought. ये दोनों fighters की fighting strategy काफी similar होती है, जैसे they like to put pressure on their opponents. But जोंग वेली के पास ज़्यादा speed and power के साथ साथ better kickboxing भी है. Whereas योआना जेजेक बेटर परफॉर्म करती है when she is throwing combination of punches. But ये combination of punches को high accuracy के साथ throw करना can be difficult for योआना जेजेक, क्योंकि वो 2 साल से ज्यादा का time off लेके comeback कर रही है, और ये comeback भी तो इतने tough opponent के against है. देखो, ring rust is a real thing. योआना has to get a timing right to win this fight. Therefore, मेरी prediction है जोंग वेली win by decision. But ये fight काफी ज्यादा close हो सकती है अगर योआना finds her timing. तो अब next fight पे चलते हैं जो है co-main event against Bullet Valentina versus स्टाइला सैंटोस। वैलेंटिना शेवचेंको भाई इतनी ज्यादा डोमिनेंट फाइटर है ना कि UFC को इस ओपोनेंट के लिए गुड ओपोनेंट पिक करना ही मुश्किल हो जाता है। फाइनली वी गॉट टाइला सैंटोस, जिसका रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव 19-1 का है, जिसमें शी इज कैरिंग 4 फाइट विन स्ट्रीक। सैंटोस के पास हाइट एडवांटेज, बेटर रीच, गुड बॉक्सिंग तो है, बट स्किल्स की कंपैरिजन में शी इज लेवल्स बिलो वैलेंटिना शेवचेंको। मुझे नहीं लगता कि टाइला सैंटोस किसी भी तरीके से वैलेंटिना शेवचेंको को हरा पाएगी अनलेस शी नॉक्स हर आउट। द ओनली वे टू विक्ट्री फॉर टाइला सैंटोस इज बाय नॉकिंग वैलेंटिना शेवचेंको आउट कोल्ड, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल होगा। देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन है वैलेंटिना शेवचेंको जीतेगी बाय नॉकआउट। तो फाइनल मेन इवेंट फाइट पे आते हैं जो है 42 इयर्स ओल्ड UFC चैंपियन ग्लोवर टिशेरा वर्सेस यंग हंगरी फाइटर जिरी प्रोहास्का के बीच। 2017 में अलेक्जेंडर गस्टेफसन से बुरी तरह से हारने के बाद ग्लोवर ने अपना पूरा फाइटिंग स्टाइल ही चेंज कर दिया। फ्रॉम अ हेवी पंचिंग बॉक्सर ही बिकेम अ रेसलर इन द UFC। ग्लोवर को रियलाइज हो गया है कि 42 इयर्स की एज में वो ओपोनेंट्स की पावर एंड स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए ही स्टार्टेड फाइटिंग स्मार्ट और अपनी रेसलिंग एंड जुजित्सु के दम पे ही स्टार्टेड विनिंग। अब ये फाइटर ओल्डेस्ट चैंपियन ऑफ द UFC बन गया है विद एन इंप्रेसिव 6 फाइट विन स्ट्रीक। बट ग्लोवर का ओपोनेंट जिरी प्रोहास्का इज अ कंप्लीट ऑपोजिट। 29 इयर्स का ये यंग हंगरी फाइटर जिसके पास हाइट एंड रीच एडवांटेज तो है, बट उसके साथ साथ इनसेन स्पीड एंड पावर भी है। जिरी प्रोहास्का की पावर इतनी खतरनाक है कि अपने इंप्रेसिव 28-3 के रिकॉर्ड में ही हैज 25 नॉकआउट विंस। ये फाइटर बना ही नॉकआउट से जीतने के लिए है। तो ये दोनों फाइटर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से विनर की प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल है। ग्लोवर टेशेरा इस फाइट को इजी बना सकता है अगर रेसलिंग का यूज करके ही टेक्स डाउन जिरी प्रोहास्का और फिर जुजित्सु के दम पे ग्लोवर सबमिट्स हिम। और दूसरी तरफ ये फाइट सिर्फ 10 सेकंड में ओवर हो सकती है अगर जिरी प्रोहास्का ने अपना एक भी पंच ग्लोवर की चिन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ग्लोवर की चिन एट द एज ऑफ 42 में कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। तो दोनों के बीच विनर चूज करना काफी मुश्किल है, बट अल्टीमेटली माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज जिरी प्रोहास्का जीतेगा भाई, वो भी बाय नॉकआउट। तो ओवरऑल आई थिंक जोंग वेली वर्सेस योआना जेजेक और ग्लोवर टिशेरा वर्सेस जिरी प्रोहास्का, ये दोनों काफी क्लोज फाइट्स हो सकती हैं। बट इन को मेन इवेंट वैलेंटिना शेवचेंको वर्सेस टाइला सैंटोस, आई थिंक सबको पता है वैलेंटिना ही जीतेगी अनलेस टाइला सैंटोस कुछ डिफरेंट कर दे लाइक नॉकिंग वैलेंटिना आउट। तो भाई लोग, ये थी मेरी UFC 275 की प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।